Hello, students. Welcome you all in the same place, and we all are together here. I hope you will be fine in your place, and I am here uh, with a new lesson in front of you all. So, this is from the same unit that is culture, and the lesson name is Hamaguchi. So, uh, if you read the lesson, you will come to know that it is a wonderful story of sacrifice and alertness, right? In this you will find that a person, old age person from Japan, how he uh, informed the villagers who live near the seashore on the on the feet of sorry in the feet of the mountains, and how he helped them to get rid from the tsunami. How what he did actually to take care of them, to save them. टू सिक्योर देम टू सेव देम फ्राम द सुनामी राइट सो यू हैव हर्ड द वर्ड सुनामी आपने ये शब्द बहुत अच्छे से सुना है वैसे ये शब्द है क्या इसका मीनिंग क्या है तो आपने सुना होगा जो एक मेजरली अर्थ क्वेक के साथ जो सी समुद्र में ऊँची ऊँची लहरों के साथ जो तूफान आया था जापान में उसे नाम दिया गया था सुनामी तो दिस स्टोरी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द सेम सिचुएशन एंड सेम कॉन्सेप्ट राइट और उस समय उस भयंकर तूफान से हाउ दैट ओल्ड पर्सन नेम्ड हमागुची उसने किस तरीके से हाउ ही हेल्प देम हेल्प देम एक्चुअली तो हेल्प देम हेल्प होम हेल्प विलेजर्स राइट तो जहाँ वो रहते थे उन्होंने अपने विलेजर्स की मदद किस तरीके से कि वर्ट ही गिवेन फॉर देम कौन से ऐसे सेक्रीफाइसेस थे उन्होंने दिए थे उनके लिए विल कम टू नो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी ओनली राइट सो बिफोर नोइंग अबाउट द स्टोरी बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्टोरी लेट्स फर्स्ट लेसन द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड वी विल कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ओके हम Along the sea coast in Japan, earthquakes are sometimes followed by terrible tidal waves called tsunami. तो अगर इस स्टोरी की हम शुरुआत करें तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जापान में जो सी कोस्टल एरियाज़ हैं ना व्हाट इज़ सी कोस्ट सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे जो सी बीचेस होते हैं उन्हें हम सी कोस्टल एरियाज़ कहते हैं राइट तो जापान में जो सी कोस्टल एरियाज होते थे वहाँ पर जो समाइम्स क्या हुआ था कि अर्थक्वेक के साथ क्या होता है वहाँ पर तूफान आता है समुद्र में लहरें ऊपर ऊपर उठती हैं एक बहुत बड़ी हाइट के साथ उठती है जिसको आप मेजर भी नहीं कर सकते राइट right? माप भी नहीं सकते तो जब ये टाइट्स जो हैं बहुत खतरनाक रूप ले लेती हैं एट दैट टाइम दीज टाइट्स आर कॉल्ड वॉट यस सुनामी इसे उस समय क्या कहा जाता है कि सुनामी एक्चुअली ये उसी आ, टाइम की बात है जब सुनामी जापान में आया था और उस तूफान को सुनामी नाम दिया गया था राइट तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस एंड अलर्टनेस टेल ऑफ सच अ टाइडल वेव दैट स्ट्रक अ स्मॉल विलेज इन जापान राइट तो ये जो स्टोरी है एक ब्यूटिफुल स्टोरी है किस चीज़ की कि एक व्यक्ति ने किस तरीके से क्या सेक्रीफाइस किया और वो कितना अलर्ट था कि उसने अपने उस छोटे से विलेज के सारे लोगों को बचा लिया था वॉट हेडिड आइए जानते हैं इस लेसन को पढ़ते हुए राइट यूनिट फाइव कल्चर रीडिंग सी हमा अलोंग द सी कोस्ट इन जापान, अर्थक्वेक्स आर समटाइम्स फॉलोड बाय टेरेबल टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस एंड अलर्टनेस Tells of such a tidal wave that struck a small village in Japan. Long ago, an old man whose name was Hamaguchi lived in a village in Japan. His farmhouse stood on the edge of a plateau, a flat open space high up on the side of a mountain. Behind his house, the mountain stood still higher. And full of dense forests. In front, it sloped gently down to the sea. At the foot of the mountain, along the shore, was the little village made up of about a hundred thatched houses. A little apart from them stood the temple. One afternoon, Hamaguchi sat with his grandson. On the balcony of his house, watching the people of the village below enjoying the harvest festival. The rice crop had been very good and the villagers were very happy. All the shops and houses were gaily decorated with paper lanterns. The villagers, wearing bright colored clothes, were about to start the harvest dance. From his balcony, Hamaguchi could see the vast Curling over waves in the bright afternoon sun. Suddenly, Hamaguchi felt a slight movement. The house rocked three or four times and then stood still. Hamaguchi had seen many earthquakes in his life and he was not frightened at all until he looked towards the sea. The sea had become a menacing dark green and very rough. The tide had changed all of a sudden. Instead of the waves rolling onto the beach, the water was now running away from the beach. The villagers stopped dancing and ran towards the seashore to see more of the peculiar and strange sight. None of them knew what this strange thing meant but the old man on the mountain side had seen one such sight when he was a little boy he knew what the sea would do there was no time to send a message to the village not to ring the bell in the temple and yet he knew that the people on the seashore had to be warned yon he called his grandson light a torch quick the young boy was puzzled but he asked no questions. He lit the torch at once. The old man ran to the fields, where hundreds of rice sacks were stacked. He ran from one sack to another, applying the torch to each. The dry sacks caught fire quickly. Soon the flames were shooting upwards, and the smoke was rising in great columns to join the clouds in the sky. Yon ran after his grandfather, shouting and crying, Grandfather, why are you setting fire to the rice? The old man had no time to answer. He just kept putting one stack after another on fire. The strong wind carried the sparks farther and farther till the whole field was ablaze. The priest in the temple saw the fire and started ringing the big bell. The people turned from the sea to see why the bell was ringing all of a sudden. In Japan, it is the duty of everyone in the village to help when there is a fire. No sooner did the people see Hamaguchi's stacks of rice on fire. That they ran towards his fields like an army of ants. Young men and boys, women and girls, old folks, mothers with babies on their backs, even little children, they all climbed the mountain to join the race to put out the fire. But by the time they reached the plateau, it was already too late. The flames had destroyed the entire harvest and turned everything to ash. It is too bad, the people exclaimed. How did this happen? Grandfather did it, cried the young boy. He lit each stack of rice. He was gone mad. The people were amazed. They couldn't believe what they had heard. They stared at Hamaguchi. You did this? They cried. You set fire to your own fields? Look towards the sea, said the old man, and you will know why I did it. The people turned and looked. Far out they saw a great wall of water sweeping towards them with great force and speed. It was returning sea. The people shrieked. But their voices were lost in the great sound, louder than any thunder they had ever heard, as the water struck the side of the mountain. The hills shook, and they were drenched in a great burst of foam. When the cloud of spray had disappeared, the people saw a wild sea roaring over what was once their village. Great angry waves tumbled above the housetops, rolling roaring and tearing of houses trees anything that came in its way great big rocks were torn away like they were pebbles being tossed around again the wall of water struck and again but with less force each time at last it fell back in its former place the people stood speechless like statues on the side of the mountain the village was gone, the temple was no more, and the fields had been torn away. Nothing was left of their homes but a few straw roofs that floated on the water. However, precious human lives were saved on the mountain side by this timely act. The people now realized why old Hamaguchi had set fire to the rice. There he stood among them, as poor as any. Full of gratitude, all these people fell on their knees to thank him.

अ फ्लैट ओपन स्पेस हाई अप ऑन द साइड ऑफ अ मेन माउंटेन तो कहने का मतलब है वो जापान में एक विलेज में रहता था और उसका जो फार्म हाउस था फार्म हाउस जहाँ पे वो सब्जियाँ भी उगा सकता था या फार्मिंग का काम भी कर सकता था साथ ही वहाँ उसका हाउस भी था जहाँ वो रहता भी था अब ये कहाँ पे था वो जो सी शोर के पास जो माउंटेन्स थे वहाँ पे एक प्लेटू जैसा बना था उसके एज में मतलब उसके कॉर्नर में वो उस स्पेस में उसका वो फार्म हाउस सिचुएटेड था ये एक फ्लैट ओपन स्पेस था जो कि ऊंचाइयों पर था मतलब माउंटेन्स पर था सी शोर पे नहीं था ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए बिहाइंड हिज हाउस द माउंटेंस टूड स्टिल हायर एंड फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट हालांकि उसका जो फार्म हाउस था इट इज स्टिल ऑन द माउंटेन राइट ऑन द माउंटेन प्लेट स्टिल उसके घर के पीछे यानी उस फार्म हाउस के पीछे जो माउंटेन थे वो और ऊंचे ऊंचे थे और वहां पे डेंस फॉरेस्ट थे डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल राइट इन फ्रंट इट स्लोब्ड जेंटली डाउन द सी एट द फुट ऑफ द माउंटेन एलॉन्ग द शोर वॉज द लिटिल विलेज मेड अप ऑफ अबाउट हंड्रेड टैस्ट हाउसेज लिटिल अपार्ट फ्राम्पल कहने का मतलब यह है कि वो जो जंगल थे वो थोड़ा स्लैंटिंग वे में नजर आते थे जो कि समुद्र की ओर स्लैंड करते थे मतलब दिस वे माउंटेन्स ऐसे रहते हैं राइट अब ये स्लैंट वे है और यहाँ जैसे हम नीचे आएंगे तो देखेंगे सामने विलेज है और विलेज के इस तरफ आगे की तरफ वो सी शोर है मतलब सी बीच आप कह सकते हो समुद्र का किनारा राइट अभी एक चीज और बताते हैं कि एट द फुट ऑफ द माउंटेन मतलब माउंटेेंस हैं उनके फुट साइड में क्या था विलेज था जो कि सी शोर के ठीक बगल में था और वहां पे क्या था देयर वर हंड्रेड्स ऑफ टैस्टेड हाउसेस मतलब छोटे-छोटे एक दूसरे के पास-पास सटे-सटे घर हुए थे मतलब छोटे-छोटे जैसे हट्स रहते हैं राइट वो बहुत वाइड रेंज में फैला हुआ नहीं था बहुत पास-पास वो घर बने हुए थे अ लिटिल अपार्ट फ्रॉम देम स्टूड द टेंपल लेकिन वहां एक जो टेंपल था वो उनसे थोड़ी ही दूरी पर था वन आफ्टरनून हम आ गुज सेट विद ग्रांड सन ऑन द बैल्कनी हिज हाउस वॉचिंग द पीपल ऑफ द विलेज बिलो इंजॉइंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करते हैं वॉट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल बच्चों सो यस आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी धान की कटाई होती है तो इस फेस्टिवल को हम कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल ठीक है अब ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है धान की कटाई होने के बाद जब किसानों को लगता है कि उनकी जो खेती है यानि जो अन्न का उत्पादन है राइट जो क्रॉप ग्रो हुई है वो मोर देन हमेशा की अपेक्षा ज्यादा हुई है मोर देन अदर पार्ट या हम कर सकते हैं मोर देन अदर इयर्स हुई है तो वहां पे क्या हो जाता है वो लोग इस तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं राइट तो हम उस लाइन पे आते हैं जहाँ पर हम थे कि एक दोपहर को हामागुची जो जो है वो अपने ग्रैंड सन के साथ यानी पोते के साथ बैठ करके अपने बालकनी से क्या देख रहे थे लोगों को गाँवों में देख रहे थे ही वॉज वॉचिंग पीपल बिलो एट द सी शॉर दे आर इन्जॉइंग द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल एंड द राइस क्रॉप हैड बीन वेरी गुड एंड द विलेज वेर वेरी हैप्पी अब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्यों मना रहे थे क्योंकि दिस ईयर द राइस क्रॉप हैड बिन वेरी गुड कि राइस क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हुआ था और इस वजह से द ऑल द विलेजेस वर वेरी हैप्पी ऑल द शॉप्स एंड हाउसेज वर गेली डेकोरेटेड विथ पेपर लैंटन्स अब आपने देखा होगा कि पेपर के बहुत सारे लैंटिन जो दिवाली में भी आप देखते हैं कि उसमें एक छोटा सा लैंप लगा करके बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन होती है तो वैसे ही उन्होंने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए अपने पूरे हाउस को सजाया था मतलब वो टैस्ट हाउस जो थे सारे हाउसेस को सजाया गया था शॉप्स को डेकोरेट किया गया था और ये किससे किया गया था पेपर लैंटन से राइट द विलेज वेयरिंग ब्राइट कलर क्लोथ वेयर अबाउट टू स्टार्ट द हार्वेस्ट डांस सो so, जैसे कि आप लोग हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते सेलिब्रेट like, दिवाली दुर्गा पूजा दशहरा ईच फेस्टिवल आप क्या करते हैं जब हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल वी डांस वी ईट वी हैव feast, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू सेलिब्रेट राइट सो वहां पे फेस्टिवल सेलिब्रेट सेलिब्रेट हो रहा था तो बच्चों हमारे देश में भी ये हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम असम की बात लें तो ये बीहू के नाम से जाना जाता है और एक आ, ये जो है एक प्रकार का इस डे पर एक विशेष फोक डांस भी होता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत महिला है ये कितने खूबसूरत डांस में और कितने सुंदर गेटअप में है राइट तो ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे हम फार्मिंग पे बेस्ड हैं जहाँ से हम हमारे बहुत सारा क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो जब वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसको सेलिब्रेट करने के टाइम में कुछ रीजनल डांसेस होते हैं जो वो उस समय वो लोग करते हैं तो यहाँ पे जो बेसिकली ये लोग भी वही कर रहे थे अपने हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे एंड दे वेयर प्रिपेयरिंग लाइक दे वेयर कलरफुल क्लोथ एंड दे डेकोरेट दे हाउसेज एंड शॉप विद द पेपर एंड एंड देवर just about to dance in the harvesting festival right अगे हम देखते हैं फ्राम हिज बेल्कनी हम अगुजी कु दास्ट सी कर्लिंग ओवर वेव्स इन द ब्राइट आफ्टरनून सन तो जैसे कि स्टोरी uh, के स्टार्टिंग uh, में मैंने आपको बताया था कि हम अगुर वो सिटिंग ऑन इज बैल्कनी ऑन द प्लेट टू एंड फ्राम देर ही पीपल आर वेर इन्जॉइंग एंड फ्राम देर ही कैन ऑल्सो सी द सी ठीक है समुद्र को देख सकता था अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो समुद्र की वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा कल ले रही हैं मतलब उफान ले रही हैं कर्ल का मतलब आप जानते हैं राइट right, दिस तो जो आ, जो वेव्स हैं जो लहरें हैं वो कर्ल हो रही थी मतलब उठ रही थी ऊँचे ऊँचे और ऊंचे ऊँची अपनी हाइट्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी और ये जो वेव्स हैं ये ब्राइट आफ्टरनून में थी मतलब अभी दिन का समय था जब सूरज चमक रहा था तभी से ये उठ रही आप बेसिकली अगर आप सी बीचिस पे गए होंगे तो यू कुड हैव फाउंड कि दिन के समय जो ये वेव्स की हाइट रहती है बेसिकली कम रहती है और जैसे जैसे शाम ढलती है ना अंधेरा होता है इट मींस। तो ये वेव्स की हाइट बढ़ बढ़ती है बट आज उन्होंने नोटिस किया था ये जो कर्ल्स हैं वो आज दिन के समय ही काफ़ी ऊंचे उठ रहे थे सडनली हमा गुची फेल्ट अ स्लाइट मोमेंट अचानक से उन्होंने कुछ फील किया जैसे कुछ मूव हो रहा है द हाउस रॉक थ्री और फोर टाइम्स एंड देन स्टूड स्टिल उस समय ही नोटिस दैट द हाउट हैज रॉक लिटिल बिट मतलब उनका घर थोड़ा सा हिलाता तीन से चार बार और उसके बाद वो आराम से खड़ा हो गया था राइट हमागुची हैड सीन मेनी अर्थक्वेक्स इन हिज लाइफ एंड ही वाज नॉट फ्राइटेंड एट ऑल अनटिल ही लुक्ड टुवर्ड द सी तो हमागुची ने ऐसे कई अर्थक्वेक्स तो देखे थे क्योंकि ये जो था अर्थक्वेक का एक रूप था अर्थक्वेक का एक रूप ही था राइट right? लेकिन ये अर्थ क्वेक से वो डरते नहीं थे क्योंकि वो बचपन से ही सब देखते आए थे लेकिन जब उन्होंने समुद्र की तरफ देखा राइट वेन ही लुक टूवर्ड्स बिट फ्राइटन बिकॉज वॉट ही सो वॉट ही नोटस्ड इट वॉज टोटली मीन्स हार्ट रेंचिंग एंड एट दैट टाइम ही वॉज सो फ्राइटेड कि अब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए उनके पास बहुत कम समय बचा था लेट सी इन द स्टोरी वॉट इज गोइंग ऑन एंड वॉट ही डिट टू सेव द पीपल ऑफ हिज विज लेट सेट आउट सो एक सुनामी की चर्चा करते करते एक इंसिडेंट याद आता है 2003 में आंध्र प्रदेश में भी सुनामी आई थी उस समय वी लॉस सो मैनी पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सुनामी है ना सो बेसिकली सुनामी जापान में भी उस समय आई थी राइट right? सो so, देखते हैं हम ने किस तरीके से हाउ ही हेल्प द अदर पर्सन so what he saw that the sea had become a menacing dark green and very rough to wo dekhte hain ki jo samudra hai bahut hi bhayava very dangerous it was looking so dangerous in green color dark green bottle green color and very rough very rough ka matlab hai it sounds so badly मतलब इतनी तेज ले रही थी इतना तेज था तूफान कहने का मतलब है अगर हम उसको measure करना चाहें तो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ द वेव्स राइट वो इतनी खतरनाक लग रही थी द टाइड हैड चेंज ऑल है सडन और जो टाइड्स आते थे नॉर्मली वो अब पूरी तरीके से बदल चुके थे अब वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डेंजरस फ्राइटनिंग लग रहे थे In, instead of the waves rolling on the beach the water was now running away from the beach normally you can see that uh, the water hai wo beach par roll karta hai, right but दिस सिचुएशन केम्स वेन द वॉटर वॉज गेटिंग बैक फ्रॉम द बीच क्योंकि जो समुद्र था सारे पानी को अपनी तरफ खींच करके वो क्या कर रहा था एक बड़ी लहर का रूप ले रहा था और इट वॉज सो डेंजरस कि वो जो छोटी छोटी लहरें आपको खुश करती हैं आपको एंटरटेन करती हैं आज वो छोटी छोटी लहरें मिल के एक बड़ी लहर बनाने वाले थे और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में लोगों को डालने वाले थे राइट right? आगे रीड करते हैं इंस्टेड ऑफ द वेव रोलिंग ऑन द बीच द वॉटर वॉज नाउ रनिंग अवे फ्रॉम द बीच द विलेजेस स्टॉप डांसिंग एंड रैन टू वर्ड्स दी श्योर टू सी मोर ऑफ द पेक्यूलियर एंड स्ट्रेंज साइट सो वॉट वी से वॉट वी कैन से एट दैट टाइम द विलेज वेयर अन फॉर द अपकमिंग स्ट्रेंज डेंजर है ना वो इस स्ट्रेंज डेंजर से बिल्कुल अनभिज्ञ अनभिज्ञता देवर नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट दे डिड उनको वापस जाना चाहिए था भागना चाहिए था इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट दे डिड दे केम मोर क्लोजर टू द सी वो समुद्र के और पास आ गए थे एंड फॉर देम इट वॉज अ पेक्यूलर साइट इट वॉज अ साइट इट वॉज स्ट्रेंज साइट दे हैव नेवर बीन सीन लाइक दिस उन्होंने कभी भी इतना पेक्यूलर इतना ब्यूटिफुल इतना स्ट्रेंज साइट कभी नहीं देखा था तो वे सो सरप्राइज और उनके लिए बहुत बड़ी बात है राइट तो वो वहाँ से जाने की अपेक्षा क्या कर रहे थे वो और सी के पास आते जा रहे थे नन ऑफ दैम न्यू वॉट दिस स्ट्रेंज थिंग मीन और उनमें से किसी को भी नहीं पता था ये yes, सबकोर्स कि इस चीज़ का क्या मतलब है बट द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन साइड हैड सीन वन सच साइड वेन ही वॉज अ लिटल बॉय ही न्यू वॉट द सी वुड डू लेकिन वो जो ओल्ड मैन थे उनको पता था कि ये जो साइट है इसका मीनिंग क्या है बिकॉज ही actually he has experienced the same sight when he was so young. So the memories came back and he was so uh, mean surprised ki today Is the same day like earlier one and they have to face such kind of problem nowadays also. to so, तो वो तो परेशान हो गए थे right? and एंड अब उनको समझ नहीं आया था कि वॉट टू डू देर वॉज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द विलेज अब उनके पास इतना समय भी नहीं था कि किसी मैसेन्जर को भेजा जाए कि मैसेज दिए लोगों को और वो लोग वापस आ जाए अब क्या करें द थिंग वॉट टू डू नोट टू रिंग द बेल इन द टेम्पल और इतना भी समय नहीं था कि जो टेम्पल जो है उन विलेज विज के हट्स के थोड़े दूर पे था वहाँ तक भी जाया जाए और सबके लिए टेम्पल का बेल बजाया जाए कि भैया यू आर इन डेंजर प्लीज़ कम अपव द माउंटेन ऐसा भी नहीं बोल सकते थे एंड येट ही नो दैट द पीपल ऑन द सी शोर हैड टू बी वॉन्ट लेकिन वो ये जानते थे दैट द पीपल स्टैंडिंग इन द सी शोर दे आर इन डेंजर एंड देर नॉट नोइंगट ऑल सो इट इज़ His duty to warn them, right. यौन ही कॉल्ड इज ग्रैंड सन राइट तो उनके जो पोते हैं उनका नाम यौन था और वो कहते हैं कि बेटा सुनो इधर लाइट अ टॉर्च क्विक कहने का मतलब है एक टॉर्च चलाओ अब टॉर्च का मतलब ये नहीं कि आप जैसे कहते हैं कि वो छोटी वाली टॉर्च यहाँ मशाल से मतलब है राइट तो उन्होंने मशाल जलाने के लिए कही थी द यंग बॉय वॉज पजल बट ही आज नो क्वेश्चन दट पैट लिटल बॉय वॉज पजल की एक तो दादाजी मशाल जलाने के लिए कह रहे हैं ऊपर से क्यों दिन के समय मैंने जैसे स्टोरी के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वो दिन का समय था राइट तो दादाजी दिन के समय क्यों मशाल जलाने के लिए कह रहे सो ही वाज टोटली पजल्ड एंड ही वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस बट ही हीट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम द यंग बॉय वाज पजल्ड पजल्ड का मतलब है वो कन्फ्यूज था राइट क्यों कन्फ्यूज था कि दादाजी दिन के समय मशाल जलाने के लिए क्यों कह रहे हैं एंड थिंग इज कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ही वॉज टोटली कन्फ्यूज एंड सरप्राइज कि दादाजी दिन के समय मशाल लाइट करने के लिए कह रहे हैं ही वॉन्ट टू आस सो मेनी क्वेश्चन राइट right? बट उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछाट सिंगल क्वेश्चन को जला दिया दैन रैन टू दमची थे एंड देन ही टू वर्ड द फील्ड वे हंड्रेड ऑफ राइस वेज टैग राइस मतलब राइस के जो गठे या राइस की बोरियां सौ से ज्यादा बोरिया रखी थी वहां पर ही रैम फ्रॉम ही रैन फ्रॉम वन सेक टू अनदर शैक वो एक बोरी से दूसरे बोरी की ओर चलते गए अप्लाइंग द टॉर्च टू इट और सबके ऊपर क्या लगाते चले गए उस मशाल को जलाते चले अब आप पूछेंगे कि मैम ये मशाल को क्यों लगाए थे भाई उसमें आग थी मशाल कैसे जलेगी आग से जलेगी सो so, उस आग को वो सूखी राइस की बोरियों पे क्या कर रहे थे लगाते चले जा रहे थे कि वो राइस की बोरियाँ जलेंगी राइट अब आगे देखते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे थे वॉज ये फुलिश मैन और ही वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट टू सेव द विलेजेस देखते हैं क्या होता है राइट तो अब ये जो ड्राई सैक्स थे कॉट फायर क्योंकि क्योंकि सूखे सूखे से थे इसलिए जल्दी जल्दी उन सैक्स ने आँख को पकड़ लिया सून द फ्लेम्स वेयर शूटिंग अप वर्ड एंड द स्मोक वॉज राइज इन ग्रेट कॉलम्स टू ज्वाइन द क्लाउड्स इन द स्काई अब क्योंकि जो हम अगुच्ची थे खुद एक प्लेटू पर रहते थे माउंटेन पर रहते थे और उन्होंने जैसे ही इन सूखे राइस के ड्राई रैक्स राइस के सैक्स पे जो है टॉर्च लगाई वैसे ही क्या हो रहा था धीरे धीरे वो वहां पे आग लगना शुरू हो गई और फ्लेम्स जो है वो ऊपर ऊपर बढ़ने लग गई थी अब आप जानते हैं जब भी आग लगती है तो धुआं निकलता तो बेसिकली अब क्या हो रहा था काला काला धुआं जो है एक माउंटेन पर उनका घर सिचुएटेड होने की वजह से जल्दी से ऊपर उठता हुआ दिखने लग गया था योन रैन आफ्टर इज ग्रैंडफादर शाउटिंग एंड क्राइंग ग्रैंडफादर व्हाई आर यू सेटिंग फायर टू द राइस योन जो कि अभी भी ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि दादाजी ये क्या कर रहे हैं ही स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड शाउटिंग एंड क्राइंग कि दादाजी व्हाई आर यू डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग व्हाई आर यू बर्निंग दाइस वो ये कंटिन्यूसली पूछ रहा था तो द ओल्ड मैन हैड नो टाइम टू आंसर उनके पास एक सेकेंड भी नहीं था कि अपने पोते को इस चीज़ का रिप्लाई कर पाए जस्ट पुटिंग वन स्टैक आफ्टर अनदर ऑन फायर वो एक के बाद एक सारे के सारी बोरियों को जलाने लग गए थे द स्ट्रॉन्ग वैरी द स्पार्क फादर एंड फादर टिल द होल फील्ड वॉज ब्लेज कहने का मतलब है क्योंकि वहाँ हवा चल रही थी एज यून नो कि वहाँ पे टाइट्स आए थे तो ऑफकोर्स सी शोर पे हवा चल रही होगी राइट right? अब क्योंकि ये चिंगारियाँ उस हवा की वजह से पूरी फील्ड में पूर्ण फील्ड में मतलब जहाँ पे वो राइस सैक्स रखे थे उस मैदान में फैल गई थी राइट तो जितनी भी सूखी बोरियां रखी थी सब तरफ आग लग गई थी और सब जो है वो पूरा फील्ड जो है द होल फील्ड वॉज अब्लेज मतलब पूरा फील्ड दहकने लगा था अब्लेज का मतलब होता है दहकना द प्रेस्ट इन द टेम्पल सॉ द फायर एंड स्टार्ट रिंगिंग द बिग बेल जैसे ही उस प्रेस्ट ने देखा प्रेस्ट मतलब पुजारी तो मंदिर के पुजारी ने देखा कि इतनी आग लगी है ही स्टार्टेड टू रिंग द बेल राइट द पीपल टर्न फ्रॉम द सी टू सी वाई द बेल वॉज रनिंग ऑल ऑफ अडन तो अभी तक क्या हो रहा था द पीपल वेयर मैसमराइज एंड सरप्राइज्ड बाई लुकिंग आफ्टर द पे्यूलियर व्यू एंड अ स्ट्रेंज व्यू ऑफ सी बट वेन दे हॉट द बेल इज रिंग दे दे जस्ट टर्नड वो जैसे इस तरफ सी है हम यहाँ पेक्यूलर व्यू ले रहे हैं लेकिन जैसे ही पीछे से बेल बज रही है हम क्या हो रहे हैं पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि आखिर ये अचानक से घंटियां क्यों बजने लग गई तो लोग भी उसी तरीके से पीछे मुड़े राइट